फ्रेंड्स, ये है 20 जून का इवनिंग का टाइम। मैं और दीदी बनाने जा रही थी थ्रेडिंग, पास में ही जा रहे थे, मार्केट तो जाना हो नहीं रहा है, मतलब कुछ काम होता है, मोस्टली पापा जी जाते हैं। और आज हम बहुत टाइम के बाद निकले हैं घर से, मतलब ऊपर से ही देख लेते थे जो भी था, और आसपास में काफ़ी चीज़ें दिख रही थी चेंज हुई, मतलब वही लोगों के मकान वगैरह बनने शुरू हो गए। हमारे एरिया में खाली प्लॉट्स काफ़ी हैं, मतलब बहुत कम घर हैं इस एरिया में अभी, तो बस हम देख रहे थे कि अरे यार देखो, मतलब पहले इतना कुछ नहीं बना था, अब हर जगह काम चल रहा है कुछ ना कुछ, तो वही चीज़ें देखते हुए जा रहे थे। तो ये लग रहा था अपनी ही गली है, लेकिन बहुत कुछ चेंज लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। और क्योंकि आज के दिन ना मौसम भी बड़ा सुहाना हो रखा था, तो बस जस्ट हम पास में ही गए थे और ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये एक अच्छे एंटीसेप्टिक का काम करता है, कोई भी आपके कट्स हो जाते हैं और कोई वुंड होता है उसकी हीलिंग का काम करता है, आपके फेस पर अगर एक्ने पिंपल है उनको भी ठीक करता है, और अगर आपके नेल्स वगैरह में फंगस हो जाती है तो उसमें भी काम करता है। फंगस के स्पेशली मुझसे पूछा गया था, एंड इस पे पीछे लिखा भी हुआ है कि आपको किस तरह से यूज़ करना है और क्या अदर बेनिफिट्स है, वो सारा इस पे मेंशन है। तो मैं इसको बस शॉर्ट में आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इसको यूज़ किस तरह से करना है। वैसे तो इस पर लिखा हुआ है कि एक अलग से ऑयल आता है गुड वाइब्स के, आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं हाथ में मॉइस्चराइज़र लिया है और उसी में इसके 3 से 4 बूंदे मिक्स कर लूँगी। आप अपने जो मॉइस्चराइज़र होता है उसमें मिला के भी लगा सकते हैं, और अगर रात को सोने से पहले लगाना है, जैसे ऑब्वियसली ऑयली सा हो जाता है फेस, तो जो आपका आलमंड ऑयल होता है उसमें भी मिक्स करके आप इसको फेस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से मिक्स करना है और अपनी स्किन पर, फेस पर आपको जहाँ लगाना है आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक्ने में बहुत ही बेस्ट काम करता है ये, और अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज है 21 जून, और यहाँ पर मैं कर रही थी दोपहर में मेडिटेशन। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मेरा सुबह का रूटीन रहता है, लेकिन कभी अगर सुबह में मिस हो जाता है तो मैं दोपहर में करती हूँ, दोपहर में मिस हो जाता है तो सोने से पहले करती हूँ, और ये मैं दोपहर में कर रही हूँ। एंड यस, जैसे आप लोगों ने पहले भी बोला हुआ है, अपना मेडिटेशन का थोड़ा सा दिखाइएगा, आपने सिखाने के लिए भी बोला है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, मेडिटेशन को एज सच मैं नहीं सिखा पाऊँगी, इसके जो अलग से सेंटर होते हैं ना, जब आप वहाँ जाके आप देखोगे ना, बिल्कुल एक्चुअल जो इसके टीचर्स होते हैं उनसे सीखोगे ना, तो तब बात ही अलग होती है। तो आप इस तरह से सीखिए अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, क्योंकि उनका जो म्यूज़िक होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर जब मैं करने जा रही थी, वैसे इसको डिम लाइट में करते हैं, लेकिन मैं सैंड स्टडी कर रहा था दोपहर में, तो देखो ऐसे ही होता है, बस ये हो जाता है आप कितना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। मैंने बस अपने हस्बैंड को बोल दिया था, थोड़े हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैंने बहुत शॉर्ट में डाला है, उन्होंने तो मोस्टली स्टेप्स मेरे किए थे रिकॉर्ड। तो बस मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ, कुछ इसके प्राणायाम होते हैं वो किए हैं, और फिर लास्ट में हमारा मेडिटेशन का हो जाता है पार्ट। तो मैं बस यहाँ पर यही कहूँगी, आपको मेडिटेशन सीखना है तो आप इसके सेंटर में जाइएगा, और बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको देखते हुए तो मैं मानूँगी बहुत ही बेस्ट है, हर एक को आना चाहिए, कोई भी एज ग्रुप है सबको ही करना आना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो मेडिटेशन एंड हो जाता है तो शवासन में जाते हैं, फिर उठने की कुछ कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं वो सब करते हैं। एंड यस, यहाँ पर ये टी शर्ट मैंने अपने हस्बैंड की डाली हुई है, आपको देखने से पता ही चल रहा होगा, क्योंकि देखो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो आपके लूज़ आपके क्लोथ्स होने चाहिए, एंड मैं इतना टी शर्ट्स वगैरह डालती हूँ नहीं, तो मैं ऐसे में अपने हस्बैंड की यूज़ करती हूँ। एंड यस, एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज मेरे भाई ने मुझे आकर सरप्राइज़ दे दिया था। आपको पता है, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैं कभी भी उनका इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो सेम और आज तो मुझे उन्होंने सरप्राइज़ किया था। तो उस टाइम पे कैमरा लेना वो सब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, ये इन लोगों के जाने का है। मेरे ये वाले जो भाई हैं स्काई ब्लू शर्ट में, ये बड़े वाले भाई हैं, साथ में मेरे हस्बैंड और सैंडी जा रहे थे इनको छोड़ने के लिए, सामने इनकी कार खड़ी हुई थी, ये आगे खड़ी हुई, इस वजह से इनकी अंदर एंट्री नहीं हुई थी कि इनको दिक्कत पड़ती, तो दूर थी।
पर हाँ, जिन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया था, मैंने बताया हुआ है ना, जो इनकी वाइफ है यानी कि जो मेरी बड़ी वाली भाभी है, उनका मायका है नजफगढ़ में, और बीच में हमारा पड़ जाता है घर। तो फिर ये मतलब वहाँ जाने से पहले हमारे घर आ गए थे एंड उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया था। वो भी इसलिए आ गए थे क्योंकि देखो अब की बार कोरोना की वजह से हमारे फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहे थे कि मैं ऐसे हालातों में नोएडा जाऊँ। यहाँ तक भी बात हुई थी कि गाड़ी में बैठ के जाना है, फिर वहाँ से भी तो ऐसे ही आना है, तो इन्फेक्शन के क्या चांसेस। लेकिन फिर भी देखो फैमिली हो जाती है, हमारे साथ बच्चे भी हैं तो उनको नहीं ठीक लगा था। तो फिर जो भैया थे वो कह रहे थे कि वो इस तरफ तो आ ही रहे थे कि सोचा तुम्हारा तो अब की बार आना हुआ नहीं है तो मैं आ जाता हूँ, एकदम से तुम्हें सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो बस एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला मुझे, मतलब वही है यार, अच्छा लगता है ना, एकदम से आपके किसी कोई आ जाए तो उसकी जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है। तो सेम बिल्कुल मेरे साथ हुआ था, और बस वहीं पर खड़े होकर मेरे हस्बैंड वो लोग कुछ कुछ बातें करने लगे थे एंड बस यही था। और फ्रेंड्स जैसे कि जो भैया है मिलने के लिए आए थे तो वो मेरे फेवरेट फ्रूट मैंगो लेके आए थे, मतलब और भी चीज़ें थी और इसमें थी स्वीट्स, लेकिन मुझे सिर्फ मतलब था मैंगो से क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं कितनी देर से कैमरा लेके खड़ी हूँ, और कल जो आपके साथ हादसा हुआ वो तो बता दो। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि कल भी इनके पास फोन आया था पुलिस स्टेशन से। अच्छा अच्छा, क्या जी भाई मतलब आ जाइए, तो ये लोग गए, फिर क्या हुआ था बताओ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो। मतलब ये एप्लीकेशन लिखने थे उसको कि हमें मिल गए, पैसे मिल गए तो आगे कार्रवाई कुछ नहीं करने, बस वही उन्होंने लिखवाया। फिर पाप मैं लिख रहा था, रीजन कुछ और था जो मुझे लगा, वैसे मतलब हम लोगों ने इस चीज को एक फन वे में ले लिया था, वो वैसे भी लिखनी होती है ऐसा तो। हाँ, फिर मैं मेरे को लिखने में लगा लिया, पापा बैठे हुए थे, पापा को मिठाई लेने, वो पार्टी कह रहे पंडित जी पार्टी तो जी हाँ पार्टी दीजिए। और स्पेशली ऑर्डर दिया कि ये चीजें उनको खानी है, मतलब पहले से इंतजार का नाम बताया, मतलब कि उस दुकान से लेके आओ, ये मिठाई लाओ, और हम पांच छह लोग हैं। अगर वो 5-6 लाख लोग नहीं बोलते तो हम तो थोड़ा सा ले आते। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले बता दिया 5-6 लोगों के हिसाब से ये ब्रेड पकौड़े शॉप से लाने हैं, ब्रेड पकौड़े उस पनीर वाले उस दुकान से, और ये गुलाब जामुन लाओ, वो गुलाब जामुन दूसरी दुकान से। तो मतलब यही है, मतलब फिर वैसे एक ही दुकान से ले आए थे पापा। नहीं मतलब यार देखो ये तो है, खैर पैसे वापस मिल गए थे तो अच्छी बात है। और हाँ, लोग पूछ रहे थे कौन से बैंक में हुआ था आपके साथ, तो बैंक का नाम है फेडरल बैंक, आंसर ये थी सब चीजें। तो मतलब ऑब्वियसली जब अमाउंट वापस मिल गया तो ये खर्चा तो कोई बड़ा खर्चा नहीं था, लेकिन हाँ ऐसे लगा था, स्पेशली अपने आप ये कह रहे हैं कि जी भाई ये लाओ वो अपनी लाओ, मर्जी से कोई कुछ वैसे बोल देते हैं वैसे तो। ये लोग तो वैसे ही उस इंस्पेक्टर की बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही कोऑपरेटिव है हर चीज में लेके, मतलब ऐसे नहीं, बहुत लोग सुनते हैं कि वो वाली चीज नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव। ऐसे लास्ट में पूछ लेते ना चाय पानी का, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया। हाँ, इन लोगों का डिमांड कर रहे हैं उसी दुकान के, ये लोग खुद ही इतने इम्प्रेस थे उनसे, लेकिन उन्होंने मतलब अपने आप ही बोल दिया था। और बस आज आए थे भैया, और भैया आए थे, वो मैडम सारी डाइटिंग भूल गई। योगा करते ही योगा नहीं, वो मेरा मेडिटेशन का पार्ट था, उसमें जस्ट थोड़ा सा हो जाता है प्राणायाम करके। एक्चुअली यार भैया मैंगो लाए थे, उनको पता है मेरे को मैंगो बहुत पसंद है। मतलब ऐसा था जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब घर पे मैंगो आते थे तो मैं रोटी नहीं खाती थी, जब मुझे भूख लगती थी मैं एक मैंगो उठाती और मैं उसको खाती थी, मेरा ये वाला था, ये वाले तो जब भी मैंगो से आई। तो बताइए क्या, अब या ऐसी बात नहीं, यहाँ पर मैंगो नहीं, यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के हो जाते हैं, तो जब उनको लगा कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, सीजन चल रहा है मायके के मैंगो, तो अलग बात, तो उनको ये था कि भाई हाँ मैं यहाँ से, हमारे आमों में वो बात का नहीं, नहीं वो बात नहीं है, मैं लाया नहीं था उस दिन आम, मैं खुम बना कर रही हूँ, उस दिन सीजन ही नहीं था जब मैं लाया था। हाँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लाए थे, बाहर से येलो कलर के थे, जो हमारे एल्फेंजो मैंगो होते हैं ना वो थे, और अंदर से बिल्कुल खट्टे थे वो वाले, मतलब सीजन के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ले आए थे, उस टाइम इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मतलब हो जाता है मायके वाले हुआ कि भाई हाँ हमारी लड़की को ये चीज़ें पसंद है, तो उनको पता है समर चल रहा है, मैंगो तो उसको बहुत पसंद है, तो लाए थे भैया।
उनको छाड़नी नहीं आती चीजें, लेकिन फिर भी ना उनको ये था कि हाँ भाई वो मेरे को लाली अभी बोलते हैं, लाली सीज को ये पसंद है तो ये हाँ लेके चलता हूँ। सीजन चल रहा है ना, तो सारे अच्छे रखे होंगे और उसमें पता है मैं छाटने कैसी का। थी, मैं भैया की जासूसी करती थी मोस्टली। मतलब ये लगता है कि हम कैसे थे, मतलब भैया की छोटी छोटी हरकतों पे नजर रहती थी, और सीधा मम्मी को चले बोलती थी, मम्मी पता है ये मिला वो मिला, मम्मी पता है भैया भी फोन पे बात करते थे, मम्मी पता है भैया भी यहाँ इतने देर से गए हुए बाहर, मम्मी ये मम्मी वो, मैं हमेशा ऐसे काम करती थी भैया के लिए। और आवाज़ देखो टाइम क्या है। तो मतलब वही है। और आज फादर्स डे था, और है फादर्स डे, अभी मिठाई दे के आवा कौन। मतलब वही है देखो, स्पेशल डेज हो जाते हैं ऐसे, वरना वही है मतलब पेरेंट्स का डे तो हमेशा ही होता है, कुछ ऐसा नहीं होता मदर्स डे फादर्स डे है ना। पर हाँ फादर्स डे को बहुत वैसे सेलिब्रेट नहीं करती, पता नहीं क्यों मदर्स डे को मुझे लगता है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई है। मतलब ये तो अपना अपना तरीका हो चिल्ड्रन जाता डे है। तो बनाते ही नहीं। मेरा ऐसा है, और मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ है ना। हाँ, 2 दिन डाइटिंग करके मैं पतली लग रही हूँ, पतली नहीं लग रही। डाइटिंग नहीं, आपने देखा होगा पहले मैं कितना रेसिपी शेयर करती थी, मैं कम कर रही हूँ, मैं नहीं खाती हूँ इतना। इनफैक्ट आज ही की है मैंने थोड़ी सी ओवर ईटिंग कि भाई हाँ, वरना मैं ना मतलब बिल्कुल एक हेल्दी उसमें ले रही हूँ 2-3 दिन से, जब से मेरे सूट टाइट होने लगे हैं। मैंने मुझे मुझे टेंशन हो गई कि मेरे ये सूट टाइट हो रहे हैं जब से। बॉडी बनानी दिखाई दे रही, मैं दिखाती हूँ कैसे, मेरे को इतना भी नहीं पसंद है। अब मेरे को जरूरत नहीं पैसे दिखाने के ना, ये दिखा रहा है। इतना नहीं अच्छा लगता है, अपने लिमिट तो में रहो, फिट रहो है ना, ऐसे नहीं। नहीं हम दोनों की चॉइसेस ना बहुत डिफरेंट है, काफ देखें ऐसे बनाने ठीक है। हम दोनों की ना आदतें बहुत कम मैच करती हैं है ना, लेकिन ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। मैंने आपको जेल रखा है बहुत टाइम से, कोई और होती तो छोड़ के भाग जाती। देख लो भी क्या कह रहे हैं मैडम। मजाक चल रहा है, कोई पता ठीक है, मजाक में कुछ ही बोल रहा। बहुत सारे काम होते हैं इनकी, बहुत सारे काम करवा लेते हैं और फिर लास्ट में बोलते जेल तो हम रहे हैं, क्या हो? जेल तो हम रहे हैं इस मोटी को। मतलब पता है ऐसे हैं, अगर इनकी एक चीज़ भूल जाए, इनका एक पर मतलब ठीक, मतलब पता है ऐसे ही इनका एक काम मैं भूल जाऊँ ना, तो बस उसी में ये हो जाते हैं कि मेरा कौन सा काम कर दिया, मेरा काम ही नहीं और करती। क्या आप ही तो कह रहे थे अभी कल वो तो परसों। भूल जाएंगे, सपोज करो हाँ। इनके बादाम आने हैं ठीक है, मेरे को बताना याद नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा इशू बना देंगे, तुमने बताया नहीं वरना तो मैं ले आता, तुमने तो बताया ही नहीं। और जब अपने आप इनको याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं है ना। नहीं याद होता मेरे को, आप ही कह रहे थे ना कि 10 अच्छे काम करो एक गलती हो जाए तो उसी को पकड़ लेते लोग, ऐसे ही हाल है। हाँ लोग ऐसे ही होते हैं हाँ, इंतजार में होते हैं हम तो कब गलती पकड़े। तो चलो फ्रेंड्स बस यही ब्लॉग का एंड कर देते हैं ना, और कुछ बात करनी है फिर आप बोलोगे, मेरे को तो बोलने ही नहीं देते, व्यूअर्स भी बोलते हैं बोलने नहीं देते हो भैया को। बस अब तो मैं बाइसेप दिखाऊंगा नहीं, आपने बोला कि जब हाँ इतना मत दिखाओ है ना, जब मतलब लोगों को नहीं इतना पसंद। ऐसे कुछ आवाज आ रही है नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। हम इस वीडियो को ही एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे। नहीं आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं बाइसेप दिखाओ, बाय। और हाँ सैंडी ने पता है इनको क्या क्या गिफ्ट दिया है ये नहीं बताया आपने। तीन गिफ्ट दिए हैं भाई इनकी कबर्ड ने। में से इनका एक सैंडो निकाल के दे दिया, इनका पीनट बटर रखा हुआ तो वो निकाल के दे दिया, और एक पेपर पे लिख दिया आई लव यू पापा। उसने सोचा तो सही, अपने आप सोच के उसने दिया, देखो बच्चा इतना समझता है।